नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों आपके घर जादू टोना कर रहे हैं ये तीन लोग। जी दोस्तों, और समय रहते अगर आप सावधानियों को रखेंगे तो दोस्तों आप बच जाएंगे, वरना आपकी सावधानी आपको धीरे धीरे इनके बुरे जाल में भी फंसा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है, तो इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। जी दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी व्यवहार जानकारियों को जानेंगे कि यश में आपके साथ जो भी हालात हो रहे हैं, इनके बुरे जालों से आप किस प्रकार उभर सकते हैं, वह कौन से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन काल में खुशियाँ ला सकते हैं और सभी बुरी शक्तियों को अपने मन मस्तिष्क से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन शैली पर आधारित बहुत ही खास वीडियो है। ग्रहों का विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर यह वीडियो बनाया गया है। आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन से क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहना होंगे ताकि आप बुरे शक्तियों से उभर सकते हैं, और साथ दोस्तों आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में भी क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में आपके ग्रह गोचर प्रबल स्थिति में है। महिला वर्ग को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल हो सकती है, इसलिए दोस्तों पूरा मन लगाकर अपने कार्यों के प्रति प्रयास करते रहें। बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों से यश में खुशी प्रदान होंगी। दोस्तों, इसके उपरांत यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने अधिक बखान ना करें। जलन की भावना से कुछ लोग आपके लिए नकारात्मक विचार भी यश में रख सकते हैं। दोस्तों, अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना, शांति से आपको काम लेना चाहिए। किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों यश में अनावश्यक खर्चों पर आप कंट्रोल रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में यात्रा से जुड़ी योजनाओं में अंतिम समय पर बदलाव आ सकते हैं। यात्रा करते समय आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। यदि आप घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो दोस्तों यश में जो है योग समय होगा, यश में आप बदलाव कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से भी पूरा करेंगे। दोस्तों, अपने जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने से जो है व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। काफ़ी समय से कोई खोई हुई वस्तु भी यश में आपको मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, अचानक से कोई खर्चा सामने आ सकता है जिसकी वजह से टेंशन रहेगी, परंतु दोस्तों यश में धैर्य और संयम से ही आपको काम लेना चाहिए, ये आपके लिए उचित होंगे। दोस्तों, वाहन अथवा संतान की शिक्षा से संबंधित लोन लेने के पेपर वर्क को यश में ध्यान से आप चेक कर लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप जरूरत से अधिक भावुक महसूस करेंगे जिसका असर आपके निर्णय क्षमता पर भी हो सकता है। दोस्तों, पिता के द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से आपको मानसिक तकलीफ का भी सामना करना होगा। आपकी भावनाओं को दूसरों के द्वारा न समझ पाना आपके लिए अधिक तकलीफदायक रहेगा। मित्र द्वारा आपको जो साथ मिल रहे हैं उनसे दोस्तों आप विवादों से यश में बच पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको अचानक ही चमत्कारिक रूप से किसी भावी लक्ष्यों की प्राप्ति भी होगी, जिससे दोस्तों आपका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होगा। घर में नजदीक रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल भी रहेगा। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के उचित परिणाम यश में हासिल होंगे। साथ ही दोस्तों, यश में ध्यान रखें कि किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति की बातों में आकर अपना कोई बड़ा आप काम बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत के अलावा जो है सामाजिक गतिविधियों पर भी अपना ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। साथ ही दोस्तों, यश में किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके मन में चल रही योजनाओं को प्रगति में देख कर आपके मन में आनंद होगा। दोस्तों, खुद के प्रति बदला नजरिया आपको दूसरों की नज़र में भी और बेहतरीन बना सकता है। दोस्तों, योग्य व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप जो है प्रगति की और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपने अंदर जो है अद्भुत आत्मविश्वास और ऊर्जा भी महसूस करेंगे।
परंतु दोस्तों किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर आप अमल अवश्य करें। घर के सुधार या फिर परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य असमय हो सकता है। साथ ही दोस्तों किसी के साथ भी बातचीत करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों यह समय आपके द्वारा बोली गई कोई नकारात्मक बात संबंधों को खराब कर सकती है। फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं तथा दोस्तों पेशे के लेन देन संबंधी कोई भी कार्य समय ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे जीवन से जुड़ी हर बात के बारे में कुछ ना कुछ आनंद या समय आपको प्राप्त होगा। मित्र द्वारा मित्र परिवार के साथ संबंध बेहतरीन बनाने की वजह से आपको जो है यश में मानसिक समाधान भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों आपके द्वारा किए गए जो काम है उनकी प्रशंसा यश में हो सकती है। नए व्यक्ति के साथ हुआ परिचय आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय के क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। यश में जो आप जो अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हैं उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करने की भी आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर कार्यभार की अधिकता रहेगी। उच्च अधिकारियों का भी दबदबा यश में आपके ऊपर रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आर्थिक रूप से दिन आपके लिए उत्तम होंगे। दोस्तों व्यवसाय में बदलाव संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। दोस्तों कुछ परेशानियों के बावजूद भी योजनाएं काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम पर अधिक ध्यान देने की यश में जरूरत होगी। दोस्तों यश में ट्रांसफर संबंधी प्रयास ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का आपका जो प्रयास है यश में सफल रहेगा। परंतु दोस्तों रुपये पेशे के मामले में किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइलें व फिर डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, उनका दुरुपयोग होने की भी आशंका यह समय बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों का यश में अंत होगा और इनसे आप राहत महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में घर के किसी वरिष्ठ व फिर अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय भी यश में फायदेमंद में रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें। प्रेम संबंध में किसी प्रकार की गलतफहमियां भी यह समय उत्पन्न हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों यश में आपके लव लाइफ में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। दोस्तों घर के बुजुर्गों की सेवा और देखभाल भी करना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों यश में पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव भी रह सकता है। दोस्तों यह समय वैवाहिक जीवन में जो है सामंजस्य बनाकर रखने के लिए आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए परिवार लोगों के साथ मनोरंजन और शॉपिंग संबंधी प्रोग्राम बनाएं। यश में प्रेम संबंधों को मर्यादित पूर्ण रखना आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द रहेगा। योगा और व्यायाम पर आप अधिक ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तथा दोस्तों यश में अपनी दिनचर्या का भी आप व्यवस्थित रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे सर्वाइकल या फिर मांसपेशियों में दर्द आपको परेशान करेगा। व्यायाम जरूर करें, साथ ही दोस्तों आराम भी लेना आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में खांसी जुकाम बुखार जैसी मौसमी दिक्कत रह सकती है। दोस्तों यश में आयुर्वेदिक चीज़ों का आप अधिक से अधिक सेवन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे किसी समय जो है नकारात्मक विचारों आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं जिससे दोस्तों आप थकान व फिर तनाव भी महसूस करेंगे। यश में मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा, तो दोस्तों इस पर आप जरूर ध्यान दें। तो आए दोस्तों अंत में बात करते हैं आपको जादू टोने से बचने के लिए या फिर जादू टोने से पीड़ित हैं उनसे आपको बचने के लिए कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। 108 बार गायत्री का जाप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है, आप इन्हें भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में 1/2 किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब घर की छत के नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर दूध के छींटे
हनुमान चालीसा का पाठ या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। साथ ही आपको बता दें कि रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बाह पर काले धतूरे की जड़ बांधने से ऊपरी हवाओं से भी या फिर काली छाया से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप इन्हें भी कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों, लहसुन के रस की हींग घोलकर आंख में डालने या फिर सूंघने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। काला जादू टोना या फिर कहें काले छाए से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।